गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल ICR एग्री JRF। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजीज ऑफ ग्राउंडनट पार्ट टू। पार्ट वन वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8320202630। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिजीज ऑफ ग्राउंडनट पार्ट टू। तो आज हम कौन कौन से डिजीज की बात करने वाले, तो आज हम बात करने वाले हैं कोला रोट यानी कि क्राउन रोट और सीडिंग ब्लाइट। बाद में हम बात करेंगे स्टेम रोट यानी कि स्क्लेरोशियल रोट और पॉड रोट। बाद में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्लोरोसिस ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। और बाद में हम लास्ट में बात करेंगे अल्फा रोट के बारे में, इट इज अ कर्स बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कोला रोट के बारे में। तो कोला रोट यानी कि क्राउन रोट और सीडिंग ब्लाइट किससे कॉज होता है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस नाइगर। तो सबसे पहले कोला रोट कहां पे फाउंड हुआ था, इट इज फाउंड फ्रॉम रिपोर्टेड फ्रॉम द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात एंड दिस डिजीज आर मोर कॉमन इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। जो गुजरात में जो सौराष्ट्र रीजन है उसमें ये डिजीज मोर कॉमनली फाउंड होता हुआ देखने को मिलता है। तो उसके सिम्टम्स क्या है, तो उसके सिम्टम्स हमें दो फेज में देखने को मिलता है, एक है प्री इमर्जेंस फेज और एक है पोस्ट इमर्जेंस फेज। तो सबसे पहले प्री इमर्जेंस फेज का मतलब क्या होता है, तो प्री इमर्जेंस फेज का मतलब ये होता है जो सीड हमने ग्रोन किया है वो इमर्ज नहीं हुआ है और वो रोट हो जाएगा और वो डाई हो जाएगा, सीड में भी रोट, इट इज नोन एज अ प्री इमर्जेंस स्टेज। तो प्री इमर्जेंस स्टेज में क्या देखने को मिलता है, सीड में भी रोट एंड बिकम अ कवर्ड विद दिस सूटी ब्लैक मास फॉर इट इज नोन एज अ सीड रोट। ये हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्री इमर्जेंस फेज में। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्री इमर्जेंस फेज का सिम्टम्स, यहाँ पे क्या हुआ है कि सीड आर फुल्ली रोटेड एंड कवर्ड विद द ब्लैक स्पोर एंड देन द जर्मिनेशन ऑफ इमर्जिंग हाइपोकोटाइल इट्स रैपिडली किल्ड बाय द लेशियन बिलो द ग्राउंड। जब जर्मिनेशन होता है सीडलिंग का, जब जर्मिनेशन होता है सीड का, तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है कि एक होता है एपिकोटाइल और एक होता है हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल रीजन होता है बिलो द कोटिलीडन, तो उसमें क्या हो जाता है कि सीडलिंग रोट हो जाता है और बिलो द ग्राउंड जो ग्राउंड के नीचे का पोर्शन है, जो अभी तक सीडलिंग इमर्ज नहीं हुआ है, जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट होगा सीड का, तो वो क्या हो जाएगा कि रोटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने बात की कि प्री इमर्जन फेज के बारे में। अब पोस्ट इमर्जन फेज में क्या होता है, जब सीडलिंग इमर्ज करता है, सीडलिंग सीड इमर्ज करता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सीडली जो कोटिलीडन के ऊपर का पार्ट है हम उसको क्या बोलेंगे कि एपिकोटाइल बोलेंगे, और कोटिलीडन के नीचे का पार्ट है बिलो द कोटिलीडन पार्ट हम उसको क्या बोलेंगे कि हाइपोकोटाइल बोलेंगे। क्योंकि ये जो ग्राउंड नट का सीड है वो डाइकोट सीड है और डाइकोट सीड में हमें क्या देखने को मिलता है कि एपिजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। और एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो कोटिलीडन के ऊपर का पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं कि एपिकोटाइल बोलते हैं, और कोटिलीडन के नीचे का पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं कि हाइपोकोटाइल बोलते हैं। अब ये हाइपोकोटाइल है पोस्ट इमर्जेंस के बाद, जो कोटिलीडन के नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि वाटर सोक्ड ब्राउन लेशन देखने को मिलेंगे, और उसके नीचे का पार्ट है हाइपोकोटाइल, कोटिलीडन के नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल आपको रोटिंग होता हुआ देखने को मिलेगा एंड इट कवर विद द ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट। बाद में क्या होता है कि हाइपोकोटाइल आपका क्या हो गया कि रोटिंग हो गया एंड देन द सीडलिंग देन कोलैप्स एंड डाई ड्यू टू रोटिंग ऑफ सक्यूलेंट हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल यहाँ पे डाई हो गया, हाइपोकोटाइल यहाँ पे वीक हो गया, इसीलिए क्या होगा कि पूरा का पूरा प्लांट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि कोलैप्स होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड मैच्योर प्लांट में ऑल्सो अटैक एट द ग्राउंड लेवल ड्यू टू द कोला रोट, देयर इज अ ग्रिडलिंग ऑफ कोला रीजन। जो कोला रीजन है आपके प्लांट का, वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि ग्रिडलिंग होता हुआ देखने को मिलेगा एंड प्लांट आर बिकम अ डाई एंड क्लोरोटिक एंड द अफेक्टेड कोला रीजन बिकम अ श्रेडेड एंड सून कवर विद द प्रोफ्यूस ग्रोथ ऑफ कनिडियोस्पोर एंड कनिडिया। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा कनिडियोस्पोर एंड कनिडिया आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये आपको देख रहा है कि सिम्टम्स ऑफ कोला रोट, यहाँ पे ये प्री इमर्जेंस फेज का फेज है, प्री इमर्जेंस फेज का सिम्टम्स है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि पूरे का पूरा सीडलिंग और सीड आपको क्या देखने को मिलेगा कि रोटिंग हुआ देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों पोस्ट इमर्जेंस फेज का, यहाँ पे आपको जो ये हाइपोकोटाइल है ये है आपका कोटिलीडन और इसके बिलो अबव का पार्ट है, अबव का पार्ट को हमको क्या बोलेंगे एपिकोटाइल रीजन, और बिलो पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि हाइपोकोटाइल रीजन। और ये सभी हाइपोकोटाइल रीजन पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि आपके जो सीडलिंग है उसमें ग्रिडलिंग देखने को मिलेगा एंड द प्लांट आर कोलैप्स, यहाँ पे प्लांट डाई हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ सिम्टम्स थे कोला रोट के बारे में।
तो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, द हाई सॉइल टेम्परेचर एंड हाई एयर टेम्परेचर, इट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर कोला रोट. एंड दी अनदर फेवरेबल कंडीशन इज अ मोनोकल्चरिंग आर इंक्रीज द इनोक्यूलम इन द सॉइल, कि मोनोकल्चरिंग है यानी कि बार बार आप ग्राउंड नट सोइंग कर रहे हैं उसी फील्ड में और उसी सोइल में, तो इट इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ दिस डिजीज. दिस कोला रोट डिजीज आर सीड बोन एज वेल एज सोइल बोन, कि ये कोला रोट डिजीज है वो बोथ, कि सीड बोन भी है और सोइल बोन भी है. एंड सीड इज इन्फेक्टेड इफ स्टोर इन द डैम्प कंडीशन, एंड जब हाई मॉइस्चर होगा हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये फंगस ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगी. अनदर नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है, डीप सोइंग, लेट जर्मिनेशन, हैवी सॉइल एंड हाई सॉइल टेम्परेचर, हाई एयर टेम्परेचर, दिस फेवर द डिजीज. तो ये कुछ कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी कोला रोट के बारे में. तो अब हम बात करते हैं डिजीज साइकिल के बारे में. तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है डिजीज साइकिल का, दिस कॉन्टामिनेटेड सीड विद दिस स्पोर एंड सोइल बोन डेब्रिस, सोइल बोन इनोक्यूलम है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कोला रोट रीजन का. और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कनिडिया डिसेमिनेट थ्रू द इरिगेशन एंड रेन वाटर एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स, जो कनिडिया डिसेमिनेट होता है इरिगेशन और रेन वाटर से, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कोला रोट का. तो उसका मैनेजमेंट क्या है, अब हम बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट के बारे में. तो दोस्तों हमने बात की जो कोला रोट डिजीज है वो क्या है कि सीड बोन डिजीज है, तो सीड बोन डिजीज है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी सीड ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. और सीड ट्रीटमेंट हम किसके साथ करते हैं कि ऑर्गेनोमर्क्युलर जो फंजीसाइड है हम उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं. इन गुजरात सीड आर ट्रीटेड विद द थायराम एंड कप्तान, तो सीड हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट करते हैं. बाद में है यूज ऑफ हेल्थी एंड हाई क्वालिटी सीड फॉर सोइंग एंड अवॉइड टू डैमेज सीड फॉर सोइंग. बाद में है एप्लीकेशन ऑफ कैस्टर केक एंड नीम केक एट द टाइम ऑफ सोइंग. एंड अनदर मैनेजमेंट है कि रेजिस्टेंट वेराइटी रनर्स टाइप आर मोर ससेप्टेबल देन दिस स्पेनिश टाइप, कि रनर्स टाइप वेराइटी है वो क्या है कि ससेप्टेबल है देन दिस स्पेनिश टाइप वेराइटी. और क्या क्या मैनेजमेंट है, डीप प्लाउइंग आपको करना है, अवॉइड द डीप प्लांटिंग, कि आपको ग्राउंडनट सीड को डीप प्लांटिंग से अवॉइड करना है, डीप प्लाउइंग करना है आपको, क्रॉप रोटेशन करना है विद चिकपी एंड वीट. एंड दी आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राउंडनट सीड मे बी ड्राई इन द सनलाइट एंड स्टोर इन द ड्राई प्लेस. दोस्तों ये कुछ मैनेजमेंट था कि कोला रोट और क्राउन रोट ऑफ ग्राउंडनट के बारे में. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अनदर मेन इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, की स्टेम रोट और स्क्लेरोसियल रोट. तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है स्क्लेरोसियम रोल्फ्सी, और उसका एक परफेक्ट स्टेज भी है. परफेक्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज और टेलियोमर स्टेज. तो उसका परफेक्ट स्टेज क्या है, तो उसका परफेक्ट स्टेज है एथेलिया रोल्फ्सी. तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या हुआ कि स्क्लेरोसियम रोल्फ्सी, और उसका परफेक्ट स्टेज क्या हुआ कि एथेलिया रोल्फ्सी. तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, the pathogen attack in all part of groundnut, but the stem infection are more common, then it is known as a stem rot infection or stem rot. तो उसमें first symptoms आपको क्या देखने को मिलता है, the first symptoms observed in the sudden wilting of branches which are contact with the soil, कि soil के near की जो branches है, soil में जो contact होती हुई branches है उसमें आपको wilting होता हुआ देखने को मिलेगा. and usually disease appear more frequently at the time of maturity. जनरली प्लांट मेच्योर हो जाएगा, मेच्योरिटी का टाइम होगा तब ये डिजीज आपको देखने को मिलेगा. एंड दी अबाउ द सॉइल सरफेस द स्टेम आर दी विल्टिंग एंड स्टेम आर इन्फेक्टेड. और आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सॉइल के सरफेस के ऊपर की स्टेम है और जो सॉइल के कॉन्टेक्ट में जो स्टेम है वहां पे आपको वाइट माइसिलियम आपको देखने को मिलेगा विच एंड सर्कल्स द अफेक्टेड पोर्शन ऑफ स्टेम. कि स्टेम की जो ऊपर स्टेम की ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा कि व्हाइट माइसिलियम और फंगल ग्रोथ देखने को मिलेगा. एंड रूट आर आल्सो अफेक्टेड एंड शोइंग अ व्हाइट फंगल माइसिलियम ग्रोथ. यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो ये ग्राउंड पार्ट है, ग्राउंड पार्ट के जो नजदीक की वाली स्टेम है, नजदीक की वाली ब्रांचेस है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि व्हाइट माइसिलियल ग्रोथ देखने को मिलेगा. तो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, वही फेवरेबल कंडीशन मोनोकल्चरिंग, कि आप एक ही फील्ड में बार बार जो ग्राउंड नट ग्रोइंग करते हैं, मोनोकल्चरिंग करते हैं, तो उसकी एक फेवरेबल कंडीशन है. एंड फ्रीक्वेंटली रेन एंड इरिगेशन फेवर दिस डिजीज. मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट कंडीशन, कि मॉइस्ट कंडीशन में ये डिजीज ज्यादा से ज्यादा आता है. बाद में है कि सैंडी एंड सैंडी लोम सॉइल एंड वेल एरेटेड सॉइल इज द डिजीज डेवलपमेंट टेक प्लेस आर मोर रेपिडली देन दी हेविली एंड पुअरली एरेटेड सॉइल. कि जो ये सैंडी सॉइल है और वेल एरेटेड सॉइल है उसमें फंगल ग्रोथ आपको हाई देखने को मिलेगा. हाई फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जिप्सम एंड अनडिकम्पोज्ड एफआईएम आल्सो इंक्रीज द डिजीज एंड इंसिडेंस.
तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन थी स्टेम रोट के बारे में। तो उसकी डिजीज साइकिल क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम क्या है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम सोइल बोर्न सीड बोर्न एंड स्क्लेरोसिया, कि सोइल में जो स्क्लेरोसिया प्रेजेंट होती है वो उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एंड दिस स्क्लेरोसिया रिमेन वायबल फॉर 8 ईयर इन दिस सोइल, कि स्क्लेरोसिया कितने रिमेन वायबल होती है, 8 ईयर तक वो वायबल रह सकती है, 8 ईयर तक वो डोरमेंट कंडीशन में रह सकती है। एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कनेडिया ट्रांसफर टू द इरिगेशन वाटर रेन वाटर एंड फार्म इक्विपमेंट। तो ये कुछ बात थी प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। तो उसका मैनेजमेंट क्या है, तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि डीप प्लाविंग करना है, क्रॉप रोटेशन करना है, यूज दी हेल्दी सीड विदाउट डैमेज, एंड आपको क्या करना है कि वेल डीकम्पोज्ड FIM आपको डालना है, रिमूव द इन्फेक्टेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड। एंड ये जो डिजीज है वो क्या है कि सीड बोन डिजीज है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सीड ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी विद द थायराम एंड मैनकोजेब। बाद में क्या करना पड़ेगा कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉप सैनिटाइजेशन, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज एंड डीप प्लाविंग। अब दोस्तों ये मैनेजमेंट IMP है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम विद द वेल डीकम्पोज FIM और कैस्टर केक, कि आपको क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम और कैस्टर केक और FIM का मिक्स कर देना है, एंड इट अप्लाई एट द टाइम ऑफ सोइंग और बिफोर द सोइंग, कि आपको क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम सोइल में अप्लाई करनी है, वो क्या करेगी कि स्टेम रोट की फंगस है स्क्लेरोसियम रोल्स उसको फैलने से रोकेगी। कंट्रोल द मॉइस्चर प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस द मॉइस्चर रिटेंशन इन द कैनोपी। एंड ये दोस्तों ये सेंटेंस IMP है, इन ग्राउंडनट ड्यू टू टिक्का डिजीज लीव्स आर डिफोलिएट, कि ग्राउंडनट की टिक्का डिजीज से क्या होगा कि लीव्स डिफोलिएट हो जाते थे, वो हमने देखा Part 1 में। एंड दिस फंगस यूटिलाइज, यानी कि जो स्टेम रोट की फंगस है वो यूटिलाइज करती है इस टिक्का डिजीज की जो लीव फोलिएट हो गए है उसको, यहाँ पे फंगस यूटिलाइज करती है एज अ फूड मटेरियल। So proper precaution should be taken for the control of leaf spot, it control the also stem rot। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि टिक्का डिजीज आर एसोसिएट विद दिस स्टेम रोट। तो ये कुछ मैनेजमेंट था स्टेम रोट के बारे में। अब हम बात करते हैं एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्लोरोसिस, वो किससे डेफिशिएंट होती है, कि आयरन डेफिशिएंसी से होती है। यहाँ पे दोस्तों जनरली आयरन डेफिशिएंसी कहाँ पे देखने को मिलती है, आयरन डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी कि अल्कलाइन सॉइल में देखने को मिलेगी। न्यूट्रल सॉइल और एसिडिक सॉइल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा, इसीलिए ग्राउंडनट एसिडिक सॉइल, स्लाइटली एसिडिक सॉइल और न्यूट्रल सॉइल में आयरन डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती। बट द प्लांट ग्रोन इन द सॉइल विद द हाई pH अबाउट द 7.6 टू 8.3 pH frequently show the iron deficiency। And गुजरात में क्या है, गुजरात में acidic soil नहीं है, गुजरात में क्या है कि basic soil है, above the 7 pH है, और गुजरात की soil क्या है कि highly calcareous soil है, इसीलिए इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि frequently chlorosis देखने को मिलेगा। तो उसके symptoms में क्या क्या होता है कि young leaves are turned into yellow color then then white color and plant become a dwarf। और आयरन क्लोरोसिस में क्या होता है कि क्लोरोटिव सिम्टम्स अपियर होते हैं एंड मोर फ्रीक्वेंटली एंड मोर रैपिडली अंडर द लोअर लाइट इंटेंसिटी। यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट रिड्यूस होता है, आपको व्हाइट कलर के यहाँ पे लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है सिम्टम्स क्लोरोसिस के बारे में। और यहाँ पे क्लोरोसिस हो जाने के कारण क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और आपको यील्ड में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो उसके मैनेजमेंट क्या है, अ सॉल्यूशन विद द 100 ग्राम फेरस सल्फेट प्लस 10 ग्राम साइट्रिक एसिड विद द 10 लीटर वाटर आर स्प्रेड 10 डेज इंटरवल टू टू थ्री टाइम। कि आपको क्या करना है कि फेरस सल्फेट जो बाजार में रेडी फॉर्मेट में मिलता है आपको उसको स्प्रे करना होगा, एंड ऑल्सो स्प्रे द आयरन जिलेटेड आयरन 2% स्प्रे एट द 10 डेज इंटरवल फॉर 2 to 3 टाइम। जिलेटेड आयरन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। एंड अनदर मैनेजमेंट है कि 40 ग्राम FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट प्लस 20 ग्राम लाइम एंड विद द 10 लीटर वाटर आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्प्रे करना है। तो ये कुछ मैनेजमेंट था कि ग्राउंडनट क्लोरोसिस के बारे में। तो अब हम लास्ट डिजीज की बात करते हैं, आफला रोट। तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस फ्लेवस। वो क्या कोज करता है, वो कोज करता है एस्परजिलस फ्लेवस टुर्कीस एक्स डिजीज। वो क्या है तो हम देखते हैं, इन इंग्लैंड थाउजेंड ऑफ टुर्कीस पोल्ट्री आर डाइड विद द टुर्कीस एक्स डिजीज। इंग्लैंड में क्या हुआ था कि टुर्कीस एक्स डिजीज की वो कॉज करता है कि थ्रू किससे कॉज करता है कि एस्परजिलस फ्लेवस है, उससे ज्यादा से ज्यादा पोल्ट्री डाई हो गए ड्यू टू द क्या हुआ कि ईटिंग ऑफ मोल्डी प्लॉट इन्फेक्टेड विद द एस्परजिलस फ्लेवस।
तो उसने क्या खाया था, उसने खाया था कि पीनट्स खाए थे, मोल्डी पीनट्स खाए थे विद द इन्फेक्टेड विद द एस्परजिलस फ्लेवर्स एंड दिस एस्परजिलस फ्लेवर्स हैविंग अ फंगल मेटाबोलाइट टॉक्सिन इज एफ्लाटॉक्सिन। कि उसमें क्या होता है कि एफ्लाटॉक्सिन होता है एंड दिस एफ्लाटॉक्सिन B1 AFB1 इट इज अ टॉक्सिक टू मेनी एनिमल्स। अब यहाँ पे जो एफ्लाटॉक्सिन है वो कैंसर प्रोड्यूस करता है, बट उसका मैनेजमेंट क्या है, द बैक्टीरियम फ्लेवोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम का नाम क्या है कि फ्लेवोबैक्टीरियम, विच रिमूव द एफ्लाटॉक्सिन कंप्लीटली फ्रॉम द कॉन्टामिनेट मिल्क पीनट पीनट ऑयल बटर एंड कॉर्न। कि फ्लेवोबैक्टीरियम क्या करता है कि उस जो एफ्लाटॉक्सिन है वो उसकी इंटेंसिटी और कंटेंट को क्या कर देता है कि रिड्यूस और रिमूव कर देता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे तुर्किश एक्स डिजीज, वो किससे फैलता है कि एस्परजिलस फ्लेवर से फैलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोल्डी पॉड, आपको क्या देखने को मिला कि कुछ मोल्डी टेस्ट देखने को मिलेगा जब आप पीनट्स खाते हैं, पीनट्स ईट करते हैं, तो आपको कुछ मोल्डी फ्लेवर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो ये ग्रीनिश कलर का माइसिलियम देखने को मिलता है वो किसका है कि एस्परजिलस फ्लेवर्स का है। यहाँ पे एस्परजिलस फ्लेवर्स का जो कल्चरिंग होता है, कल्चरिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ग्रीनिश कलर की कॉलोनी देखने को मिलेगी, यानी कि एस्परजिलस फ्लेवर्स कौन से कलर का माइसिलियम प्रोड्यूस करती है कि ग्रीनिश कलर का। और एस्परजिलस नाइगर है जो हमने कोलारोट में देखा था, वो किस तरह का माइसिलियम प्रोड्यूस करती है कि जो ब्लैक कलर का माइसिलियम है वो एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस करती है, और ये जो ग्रीनिश कलर का माइसिलियम है वो क्या कौन प्रोड्यूस करता है कि एस्परजिलस फ्लेवर्स प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ बात थी कि एफ्लाटॉक्सिन के बारे में। तो उसका मैनेजमेंट क्या है, सिंस द फंगस इज अ वीक पैरासाइट एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस विच फेवर द रैपिड जर्मिनेशन एंड विग्रस ग्रोथ। कि कोई इकोनॉमिक प्रैक्टिस है वो रैपिड जर्मिनेशन एंड विग्रस ग्रोथ प्रोड्यूस करती है विच रिड्यूस द चांस ऑफ द एस्परजिलस फ्लेवर्स इन्फेक्शन। कि वो क्या करती है कि रिड्यूस करती है एस्परजिलस फ्लेवर्स का इन्फेक्शन का। एंड ऑल्सो द सीड ट्रीटमेंट, सीड बोन डिजीज है इसीलिए सीड ट्रीटमेंट करनी है आपको, किससे, कार्बन डाइजिन कैप्टापोल यानी कि कैप्टान और थायराम से आपको क्या करना है कि सीड ट्रीटमेंट करनी है। तो ये कुछ मैनेजमेंट था एफ्लाटॉक्सिन के बारे में। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कोलारोट यानी कि कोलारोट का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है कि एस्परजिलस नाइजर, स्टेम रोट के बारे में देखा, स्टेम रोट का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है कि स्क्लेरोसियम रोल्फ्सी यानी कि उसका परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल स्टेज क्या है एथेलिया रोल्फ्सी। अब एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखी, उस कौन सी, क्लोरोसिस ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, और लास्ट में देखा कि एफ्लाटॉक्सिन यानी कि कोजल ऑर्गेनिज्म एस्परजिलस फ्लेवर्स। तो कल हमने देखा था कि अर्ली लीव स्पॉट के बारे में देखा था, अर्ली लीव स्पॉट का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला, और उसका परफेक्ट स्टेज क्या है, माइकोस्पोरेला एरेचिडिकोला। बाद में देखा था कि लेट लीव स्पॉट, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, सर्कोस्पोरिडियम परसोनाटम, और उसका रिवाइज नेम क्या है कि फेयोसेरियोसिस परसोनाटा, और उसका परफेक्ट स्टेज माइकोस्पोरेला बर्केली। बाद में हमने देखा था कि रस्ट डिजीज, इट इज अ ऑटोसियस रस्ट पक्सिनिया एरेचिडिस। बाद में हमने क्या देखा था कि एक वायरल डिजीज, तो बर्ड नेक्रोसिस, इट इज अ कॉज बाय द टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस एंड टू टाइप ऑफ थ्रिप्स, वन इज अ फ्लावर थ्रिप्स स्प्रिंकलिंग या सिल्टूजी एंड स्क्रेटोसिप डोर्सालिस, इट ट्रांसमिट द वायरस। तो ये कुछ बात थी डिजीज ऑफ ग्राउंड नट के बारे में। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।